अभी हमारा जहाज़ बस आ गया और इसे में जाएंगे इंशाल्लाह। ये मगर ये कि यहाँ पे जो हाँ खाने वाने के रेट है वो बहुत हाई है, बहुत हाई। अभी हम एयरपोर्ट पहुंच गए और बोर्डिंग के लिए खड़े हैं। इतने सारे लोग आए हैं और रश बहुत ज़्यादा है। टाइम हम पहुंच गए इमामान एयरपोर्ट और ये मेरे साथ ही दोस्त हैं, मुराद भी हैं साथ, और सब दोस्त इकट्ठे पहुंच गए। तकरीबन 30-35 मिनट का टोटल सफ़र है। दिस इज ओमान एंड टुमारो वी विल बैक रिटर्न टू पाकिस्तान टू दुबई अगेन। तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं अभी, और अभी तक हमारा वीज़ा एक्टिवेट नहीं हो गया है। जैसा वीज़ा एक्टिवेट हो जाएगी तो फिर हम इधर से जाएंगे दुबई। ये ओमान का एयरपोर्ट और दुबई का एयरपोर्ट भी दिखाया था, मगर यहाँ पर महंगाई इंतहाई उरूज पर है। यहाँ पर एक कप टी कितने का था? 17 दरहम का, और उधर 1 दरहम का मिलता है। तोबा। ये सब दोस्त भी मेरे साथ है, इसका भी वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है, और हम सब जो है ना अभी रात के तकरीबन 2 बजे हैं सॉरी, और इतना मतलब सब लोग घूम रहे हैं क्योंकि सब लोग कोई जा रहा है कोई आ रहा है और किसी का ड्यूटी है, तो सब लोग फुल नाइट ये एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा माहौल है। माहौल कैसा है? बहुत अच्छा, जबरदस्त। बहुत वीआईपी है, मगर ये कि यहाँ पे जो हाँ खाने वाने के रेट है वो बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो जो भी कोई यहाँ पे आएगा तो कोशिश यही करे कि खाना वगैरह अपने साथ लेकर, तो वो सबसे बेहतर है, बेहतरीन है, बिल्कुल सबसे बेस्ट है, यकीन करें। क्योंकि उधर 1 दरहम का मिलता है चाय, और इधर 17 दरहम का 1 कप चाय मिलता है, बिल्कुल। तो सोच समझ कर आइए। हाँ, बाकी खाने की चीज़ कितने का होगा? बिल्कुल सही। देखो भाईजान, इतना बंदोबस्त किया है लोगों ने, हमारा इतना इनको फिक्र है। हम इधर अभी सोएंगे, और कोई बाहर सोए, कोई सोफे पे सोए, और हम इधर आराम से इंशाल्लाह सो जाएंगे इधर, ठीक है ना? ऐसा है। गुड नाइट, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। मॉर्निंग, वेलकम बैक। ये तकरीबन दिन के 11 बजे हैं, और 10 बजे तो हम उठ गए, और ये अभी तक हम उधर ही बैठे हैं, और हमारे वीज़े भी एक्टिवेट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सब दोस्तों की एक्टिवेट हो गए, तकरीबन हमारे साथ जो थे ना 3 दोस्त और थे, तो उनके भी वीज़े एक्टिवेट हो गए, और इंशाल्लाह सफ़र को इंशाल्लाह हम वापस रवाना होंगे दुबई की तरफ। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त गुज़रा, और बहुत ही अच्छा गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ बिल्कुल ज़बरदस्त सिस्टम इन्होंने बनाया है, कोई टेंशन नहीं लेने कि किस तरह हम रात गुजारेंगे एयरपोर्ट में, सर्दी होगी। हाँ, ऐसी हर जगह लगी होती हैं, तो जो भी आते हैं अब विज़िट एक्सटेंड के लिए या एक्सचेंज के लिए जो भी हैं, तो लाजिम अपने साथ कंबल भी लाया करें, क्योंकि रात को बहुत सर्दी होती है, क्योंकि हर जगह पर यहाँ पर एसी लगी होती हैं, तो साथ वो भी लाया करें। और बस यही होती है कि यहाँ पर एक स्टे करनी पड़ती है, और स्टे जिस तरह वीज़ा आपका एक्टिवेट हो जाए तो फिर यहाँ से
जैसा आपका टिकट का टाइम पूरा हो जाए तो उधर से वो बोर्डिंग पास आपने रिसीव करना है, फिर वापस अपने मुल्क या मतलब मीन दुबई जाना वापस पड़ता है ना। तो यही था हमारा सफ़र, इंशाल्लाह आगे भी हमें देखते रहें कि क्या प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसेस हो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। दीदी की मुशवा होगा ना और सोफे हम देता था एल ई डी लेके इधर लेता। इसी टाइम हम रवाना हो गए जहाज़ की तरफ, और दोस्त भी है साथ में, पूरा टीम है, पूरा ग्रुप है, और देखते हैं किस टाइम इंशाल्लाह हमारी फ्लाइट यहाँ से रवाना होगी इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिएगा। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमें बोर्डिंग पास भी मिला और वीज़ा भी लग गए, और अभी हम वेटिंग हॉल में बैठे हैं और इंशाल्लाह अभी जाएंगे। ये सब ग्रुप है। अभी हमारा जहाज बस आ गया और इसे में जाएंगे इंशाल्लाह। पूरा ग्रुप है हमारे साथ। ज़रूर लाइक करें और चैनल का सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।